फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फार्मा पॉकेट अगेन। आज की वीडियो में हम माइक्रोबायोलॉजी का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। जब बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है तो कौन से फिजिको केमिकल पैरामीटर से उसका इफेक्ट होता है, ये इस वीडियो में हम डिटेल देखने वाले हैं। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जो फैक्टर्स बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए इफेक्ट होता है वही उसके ऊपर अफेक्ट करते हैं यदि उसमें कुछ चेंजेस हो जाते हैं तो। जैसे हमें पता है कि जो बैक्टीरिया है उसका कल्चर मीडियम इम्पॉर्टेंट होता है ग्रोथ के लिए। तो कल्चर मीडियम में क्या होता है, उसका न्यूट्रिशन होता है, न्यूट्रिएंट होते हैं जिसकी वजह से बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है। सो न्यूट्रिएंट कॉन्सेंट्रेशन इज अ फर्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। जैसे न्यूट्रिशन का कॉन्सेंट्रेशन होगा उसके हिसाब से बैक्टीरिया की ग्रोथ कैसी हो रही है ये हम देखेंगे। टेम्परेचर, जो बैक्टीरिया का मीडियम होता है उसमें टेम्परेचर, पीएच, गैसेस रिक्वायरमेंट, जो अवेलेबल वाटर होता है, आयन आयन्स एंड सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन होता है, ये सब जो है उसकी क्वांटिटी फिक्स होती है, वही अमाउंट में वो उसमें प्रेजेंट होना चाहिए। यदि टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गया तो भी बैक्टीरिया की ग्रोथ के ऊपर अफेक्ट हो सकता है। जो वाटर है, और वाटर तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वाटर होगा तभी बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है। जैसे ह्यूमन बीइंग को रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन लगता है, कार्बन डाइऑक्साइड लगता है, वैसे ही ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और गैस, जो भी गैसेस हो गई ये बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। आयन्स और सॉल्ट भी इम्पॉर्टेंट होता है, पीएच भी इम्पॉर्टेंट होता है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट पीएच होता है, डिफरेंट डिफरेंट पीएच के हिसाब से अलग अलग बैक्टीरिया ग्रो होते हैं। कोई बैक्टीरिया है वो जो अल्कलाइन में ग्रो होते हैं, कोई बैक्टीरिया एसिडिक में ग्रो होते हैं। सो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स है जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ के ऊपर अफेक्ट होते हैं। तो ये जो डिफरेंट फैक्टर है, टेम्परेचर, पीएच, गैसेस रिक्वायरमेंट, अवेलेबल वाटर, न्यूट्रिएंट कॉन्सेंट्रेशन, आयन एंड सॉल्ट, इसका इफेक्ट क्या होता है, ये क्या अफेक्ट करते हैं बैक्टीरिया की ग्रोथ पे, ये हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। सो सिक्स इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि अफेक्ट करते हैं बैक्टीरिया की ग्रोथ में, उसमें से थ्री हम इस स्लाइड पे डिस्कस करेंगे। मैं यहाँ पे आपको डायग्राम से बता रही हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए, बाकी डिस्क्रिप्शन आप खुद लिख सकते हो। आपको पॉइंट समझ में आ गया, न्यूट्रिएंट कॉन्सेंट्रेशन, न्यूट्रिएंट कॉन्सेंट्रेशन का क्या इफेक्ट होता है, न्यूट्रिएंट कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा कम होगा तो कैसे बैक्टीरिया की ग्रोथ कम ज़्यादा होगी, ये आपको समझ में आ गया तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको यहाँ पे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के साथ समझाऊंगी तो आप इजिली एक्सप्लेन कर पाऊंगे। फर्स्ट हमारा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रिएंट कॉन्सेंट्रेशन। हमने यहाँ पे वाई एक्सिस पे लिया है ग्रोथ रेट, मतलब बैक्टीरिया का ग्रोथ रेट कैसे होता है, और एक्स एक्सिस पे लिया है न्यूट्रिएंट। जैसे ये लाइन इंक्रीज होती जाएगी मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, न्यूट्रिएंट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, और ये स्ट्रेट लाइन स्टैंडिंग लाइन है ग्रोथ रेट इंक्रीज होते जा रहा है, मतलब यहाँ पे ग्रोथ रेट इंक्रीज होते जा रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे मैंने आपको दो स्पीसीज बताया है। सपोज ये कर लो, ये एक बैक्टीरिया ए है, ये बैक्टीरिया बी है। जैसे न्यूट्रिएंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते जा रहा है वैसे क्या हो रहा है, बैक्टीरियल ग्रोथ भी बढ़ रही है, बट डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज रिक्वायर डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रिएंट। सो जैसे न्यूट्रिएंट कॉन्सेंट्रेशन अच्छा होगा, ज्यादा होगा, रिच होगा, जो कि ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है, ऐसे ज्यादा न्यूट्रिशन होगा तो बैक्टीरिया की ग्रोथ कैसी होगी, इंक्रीज होगी। ये स्पीसीज ए को ज्यादा न्यूट्रिएंट लगते हैं इसलिए इसका एक ऊपर से कर दिखाया है और एक नीचे से कर इसलिए दिखाया है, क्योंकि सपोज कर लो कोई जो न्यूट्रिएंट है उसको ज्यादा अमाउंट में लग रहा है तो इसको कम अमाउंट में लग रहा है। डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज रिक्वायर डिफरेंट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन, बट व्हेन वी एड द न्यूट्रिएंट इन द मीडिया, क्योंकि मीडिया में ग्रो होते हैं, तो जब हम न्यूट्रिएंट उसमें ऐड करते हैं तो स्पेसिफिक लेवल तक ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इंक्रीज होगी, और आफ्टर दैट इट्स बिकम स्टेडी। ये स्टेडी दिख रहा है आपको, स्ट्रेट दिख रहा है ना, मतलब कैसे, जैसे आप कौन सा बच्चा है उसकी ग्रोथ नहीं हो रही तो आप उसको स्पेसिफिक न्यूट्रिशन देंगे, न्यूट्रिशन देने के बाद उसकी बॉडी जितना एब्सॉर्ब करेगी, उसकी बॉडी के लिए जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही वो एब्सॉर्ब करेगा, बाद में आपने उसको कितना भी खिलाया तो उसकी ग्रोथ नहीं होगी। वैसे ही बैक्टीरिया का ही है, जैसे एज वी इंक्रीजेज द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इंक्रीजेज, बट आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम लेवल्स, मतलब इसका इतना ही वो एक्सेप्ट कर पाएगा उसने, उसके बाद इफ वी आर इंक्रीजिंग द न्यूट्रिएंट देन ऑल्सो द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया बिकम स्टेडी।
देर इज नो चेंजेस, वो कॉन्स्टेंटली रहेगा जितनी बैक्टीरिया की ग्रोथ हो रही है, आपने एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट डाला तो भी. ओके, सो दिस इज अ फर्स्ट फैक्टर दैट अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया. मतलब जो हेल्प करते हैं न्यूट्रिशन, उसका क्या इफेक्ट होता है ये हमने देखा. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टेम्परेचर. टेम्परेचर से क्या होगा, टेम्परेचर में आपको पहले डायग्राम बताती हूँ. ये यहाँ पे एक सिंपल हम्प है, ये मिनिमम टेम्परेचर है, ये ऑप्टिमम टेम्परेचर और ये मैक्सिमम टेम्परेचर. यहाँ पे ग्रोथ रेट वाई एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर है. ये जो टेम्परेचर है इसे मिनिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर के नीचे भी मीडिया का टेम्परेचर होगा तो बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं होती है, क्योंकि बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो मिनिमम टेम्परेचर की वजह से, मतलब कम टेम्परेचर की वजह से फ्रीज हो जाती है. फ्रीज होने की वजह से क्या होता है ना, जो सेल्स को न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड होते हैं वो वहां से सप्लाई नहीं कर पाती. इसलिए मिनिमम टेम्परेचर इतना होना इम्पॉर्टेंट, जितना मीडिया को चाहिए वो भी इम्पॉर्टेंट होता है. और एज वी इंक्रीजेज द टेम्परेचर द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इंक्रीजेज. देखो जैसे हमने टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज किया है, ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इंक्रीज हो रहा है, बट अप टू स्पेसिफिक लेवल. एट अ सर्टन टेम्परेचर द ग्रोथ रेट ऑफ बैक्टीरिया बिकम मैक्सिमम, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड एज अ ऑप्टिमम टेम्परेचर. मतलब ये ऐसा टेम्परेचर है, यहाँ तक आप टेम्परेचर लेके जाएंगे तो बैक्टीरिया की ग्रोथ बढ़ती है, बट इफ वी इंक्रीजेस टेम्परेचर मोर देन ऑप्टिमम टेम्परेचर, मतलब ऑप्टिमम टेम्परेचर से भी आपने ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा लिया तो अगेन ग्रोथ डिक्लाइन हो जाती है, मतलब ग्रोथ कम हो जाती है, क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से भी जो सेल वॉल होती है बैक्टीरिया की वो डिनेचर हो जाती है, यानी ब्रेकअप हो जाती है, तो इसकी वजह से न्यूट्रिशन वो अंदर सेल को पहुंचा नहीं पाते. इसलिए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टेम्परेचर होना भी बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है. ओके, सो टेम्परेचर अफेक्ट आपको कैसा एक्सप्लेन करना है, एज वी 3 पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं, मिनिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड मैक्सिमम टेम्परेचर. मिनिमम टेम्परेचर पहले एक्सप्लेन करना है, एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इंक्रीजेज बट अप टू सर्टन लेवल, दैट सर्टन पॉइंट दैट सर्टन टेम्परेचर इज कॉल्ड एज अ ऑप्टिमम टेम्परेचर. बट आफ्टर ऑप्टिमम टेम्परेचर इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर द ग्रोथ रेट ऑफ बैक्टीरिया डिक्लाइन. ओके, एंड द मिनिमम टेम्परेचर बिलो द टेम्परेचर ऑफ मिनिमम टेम्परेचर वी कैन नॉट ग्रो द बैक्टीरिया बिकॉज द सेल वॉल फ्रीज हो जाती है और उसकी वजह से उसकी न्यूट्रिएंट सप्लाई नहीं कर पाती. मैक्सिमम टेम्परेचर की मतलब ऑप्टिमम टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर हमने कर लिया, मैक्सिमम टेम्परेचर कर लिया तो वहाँ भी सेल वॉल रप्चर हो जाती है और सप्लाई नहीं कर पाती न्यूट्रिएंट टू द सेल. इसलिए स्पेसिफिक टेम्परेचर होना जरूरी होता है, स्पेसिफिक टेम्परेचर तक ही उसकी ग्रोथ हो सकती है. अलग अलग मीडिया के लिए डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया होते हैं कि उनको कितना टेम्परेचर मेंटेन करना है. ओके, सो नेक्स्ट वी विल मूव टू अवर थर्ड फैक्टर्स दैट इज पीएच. पीएच का भी डिफरेंट डिफरेंट अफेक्ट होते हैं, बट मोस्ट ऑफ द बैक्टेरिया होते हैं ना वो न्यूट्रल मीडियम यानी 6.5 to 7.5 pH तक उनकी ग्रोथ अच्छी होती है. बट सम बैक्टीरिया आर एसिडोफाइल, एज अ नेम इंडिकेट एसिडोफाइल मतलब एसिडिक पीएच, जो कि 6 के नीचे पीएच में उनकी ग्रोथ अच्छे से होती है. अल्कलीफाइल मतलब अल्कलाइन मीडियम में 7 to 12 तक जो अल्कलाइन मीडियम होगा उसमें उनकी ग्रोथ होती है. सो पीएच का अफेक्ट क्या होता है, द पीएच अफेक्ट द आयनिक प्रॉपर्टी ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल. जो आयनिक बैक्टीरियल सेल वॉल की आयनिक प्रॉपर्टी होती है उसमें कॉन्सेंट्रेशन का चेंज होता है. मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया ग्रो एट न्यूट्रोफिल्स 6.5 to 7.5 pH, बट सम बैक्टीरिया ग्रो इन एसिडिक कंडीशन, सम बैक्टीरिया ग्रो इन अल्कलाइन कंडीशन. ओके, सो दीज आर द 3 फैक्टर्स. अब नेक्स्ट 3 फैक्टर्स हम नेक्स्ट स्लाइड पर डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट फैक्टर है आयन एंड सॉल्ट. आयन कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, जिंक, मैग्नेज, ये जो सब आयन्स होते हैं ये बैक्टीरिया की एंजाइम सिंथेसिस और प्रोटीन सिंथेसिस के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं फॉर ऑल बैक्टीरिया. बट सॉल्ट मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया के जो मीडिया होता है उसमें सॉल्ट रिक्वायर्ड नहीं होता है. बट सम हैलोफिलिक बैक्टीरिया, सम बैक्टीरिया लाइक आरिचोबैक्टीरिया जो होते हैं वो हैलोफिलिक बैक्टीरिया होते हैं, उनके मीडियम में उनको सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन
हाई रिक्वायर्ड होता है। जो हेलोफिलिक बैक्टीरिया है उनके ग्रोथ के लिए हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट रिक्वायर्ड होता है, बट मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया डू नॉट रिक्वायर सॉल्ट। सॉल्ट मीन्स NaCl। नेक्स्ट पैरामीटर है गैसियस रिक्वायरमेंट, मोस्टली ऑक्सीजन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये दो गैसियस है जो इम्पॉर्टेंट है बैक्टीरिया ग्रोथ के लिए। या इसमें कुछ चेंजेस हो जाए तो बैक्टीरिया की ग्रोथ में चेंजेस हो जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो कैप्नोफिलिक बैक्टीरिया है, जो कैप्नोफिलिक मतलब उनको ग्रोथ होने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड लगता है, इसलिए उनको कैप्नोफिलिक बोलते हैं। कैप्नोफिलिक बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए कार्बन डाइऑक्साइड इंपॉर्टेंट होता है। एरोब्स एरोब्स में उनको ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है फॉर देयर ग्रोथ। एनारोब्स एनारोब्स में भी दो टाइप से, ऑब्लिगेट एनारोब्स एंड फैकल्टी एनारोब्स। ऑब्लिगेट एनारोब्स जो होते हैं दे कैन नॉट इवन बेयर अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। इवन स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कैन कॉज अ लीथल एक्शन टू दैट बैक्टेरिया। मतलब छोटे अमाउंट में भी यहाँ पे ऑक्सीजन एटमोसफियर में प्रेजेंट हो या तो फिर मीडियम में प्रेजेंट होगा तो ये एनारोब्स जो होते हैं, एनारोब्स टाइप के बैक्टेरिया जो होते हैं उनकी ग्रोथ नहीं होती, उनकी डेथ हो जाती है। फैकल्टेटिव में क्या होता है, उनको प्लस माइनस मतलब ऑक्सीजन होगा तो भी चलेगा, ऑक्सीजन नहीं होगा तो भी उनकी ग्रोथ होती है। सो दीज आर कॉल्ड एज फैकल्टेटिव एनारोब्स। सो गैसियस रिक्वायरमेंट में आपको क्या मेंशन करना है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दो इंपॉर्टेंट गैसेस है जो कि बैक्टीरिया में अफेक्ट करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कैप्नोफिलिक बैक्टीरिया को लगता है। एरोबिक्स कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं उनके लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है फॉर देयर ग्रोथ। एनारोब्स जो होते हैं उसमें ऑब्लिगेट टाइप के जो बैक्टीरिया होते हैं वो उन्हें थोड़े अमाउंट में भी ऑक्सीजन नहीं रिक्वायर होता है। फैकल्टेटिव जो होता है 50-50% होता है। और लास्ट जो पैरामीटर है हमारा वो है वाटर। वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, बिकॉज जो बैक्टीरिया की सब एंजाइमेटिक जो रिएक्शंस होती है, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, जो फिजिकल एक्टिविटी होती है बैक्टीरिया की, वो इन प्रेजेंस ऑफ वाटर होती है। इवन जो सॉल्ट होते हैं, शुगर्स होते हैं, जो अदर सब्सटेंस होते हैं जो कि न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं बैक्टीरिया के, वो भी वाटर में पहले डिजॉल्व होते हैं, बाद में वो उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। इसीलिए वाटर इज अ इम्पॉर्टेंट फैक्टर। ओके, सो दीज आर द 6 इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। पहले हमने क्या देखा, न्यूट्रिशन कॉन्सेंट्रेशन। न्यूट्रिशन कॉन्सेंट्रेशन में आपको क्या बताना है, तो दो स्पीसीज करके पहले उसकी ग्रोथ दिखानी है, बाद में वो स्टेडी, मतलब अलग अलग स्पीसीज के लिए अलग अलग न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड होता है। पहले हमने न्यूट्रिशन बढ़ाया तो उनकी ग्रोथ बढ़ती है, बट आफ्टर सम टाइम्स आपने ऐड भी किया न्यूट्रिशन तो उनकी ग्रोथ कैसी होती है, कॉन्स्टेंट। और टेम्परेचर में आपको क्या करना है, टेम्परेचर में एक आपको सिंपल हम्प दिखाना है, उसमें मैक्सिमम और मिनिमम एंड ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होता है वो एक्सप्लेन करना है। मैक्सिमम टेम्परेचर के जो ज़्यादा टेम्परेचर होगा उसके बाद भी बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होती है, और ऑप्टिमम टेम्परेचर इज अ टेम्परेचर एट विच इट्स अ हाइएस्ट टेम्परेचर अप टू दैट द बैक्टीरिया कैन ग्रो, और जो मिनिमम टेम्परेचर होता है उसके नीचे भी बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होती। ओके, और जो पीएच है, पीएच में आपको 3 हम दिखाने हैं, मतलब एसिड फिल, बेसोफिल एंड न्यूट्रोफिल। मतलब उनका आप पीएच में दिखाना, मिडल पीएच में एक हम दिखाना, एक एसिडोफिल में दिखाना और एक न्यूट्रोफिल में दिखाना और एक बैसिलोफिल, ऐसे 3 आपको दिखाने हैं। और आयन सॉल्ट में, आयन सबको इसेंशियल होता है, सॉल्ट किसी के लिए लगता है तो जो हेलोफिलिक है उनके लिए वो लगता है, तो मोस्ट ऑफ द बैक्टेरियन मीडियम में वो एब्सेंट होता है। गैसियस में भी आपको ऐसे ही एक्सप्लेन करना है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का क्या अफेक्ट है और ऑक्सीजन का क्या अफेक्ट है। एंड वाटर इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, उसमें सब सोल्यूट्स और जो सॉल्ट है सब मिक्स होते हैं और सब न्यूट्रिशन बैक्टीरिया को प्रोवाइड करते हैं। आई होप फ्रेंड्स वो मेरी आपकी वीडियो पसंद आई गई है, क्योंकि मेरे चैनल पे है ना बहुत सारी माइक्रोबायोलॉजी की वीडियो अवेलेबल है। आप मेरे चैनल पे नए हो गए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और आपको वीडियो पसंद आई तो आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय।